हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। और नीलू स्वीट किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ मैं। आइए बनाते हैं टेस्टी टेस्टी ठंडी में खाने वाली जो बहुत ही यम्मी होती है कचौरी, जो सबकी फेवरेट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है मटर का दाल, आपके पास चने का दाल हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले इसको मुझे 1 से 2 घंटे भिगाना है। अगर जल्दी है तो गर्म पानी में आप भिगा दीजिए, आधे घंटे में फूक जाएंगे। फिर इसको अच्छे से पीसना है आपको। अब वो चाहे मिक्सर पे पीसो या तो सील बट्टे पे पीसो। और डालना है क्या, ये देखिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सब मसाले, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्चा, ये सब आपको डालना है इसी पेस्ट में। दाल के साथ ही पीस लेना आप, तो बहुत ही टेस्टी ये दाल वाली, आपको मैं बता रही हूँ, दाल ही वाली कचौरी नहीं कहूँगी, दाल के साथ साथ और कुछ है। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल पीस के रख लिया है। और दोस्तों नॉर्मल हो या पुअर या हाई फाई लोग सब ये खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए कांदा मैंने कट करके रख दिया, ये उबली आलू है जो कि दो मैंने उबली आलू उसको अच्छे से चोखा बना के ले लिया है। और यहाँ पे मैंने सारा सामान, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्चा और जीरा मैंने ले लिया है कट करके। और यहाँ बाउल ले लिया है, पहले डालूँगी मैं इसमें मैश की हुई आलू, उसके बाद मैं डालूँगी प्याज, मिर्चा, धनिया पत्ती और उसके बाद मैं डालूँगी ये जो मैंने पेस्ट अभी दाल वाली बनाई थी ना, दाल, जीरा और लहसुन अदरक, इसमें सारा मसाला वैसे भी मैंने डाला है तो मैं इसमें मिलाऊँगी आलू में। ये ना दोनों की कॉम्बिनेशन इतनी गजब की होती है ना दोस्तों, एक बार इस तरीके से आलू वाली कचौरी के साथ ये दाल वाली कचौरी मिक्स करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सबको। तो मेरा वीडियो बहुत ही छोटा है, प्लीज़ पूरा देखा करिए, नहीं कहूँगी पूरा देखने अगर चाहे तो पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं मैदा ऐसा कुछ नहीं ली हूँ, ये गेहूँ का आटा है और सिर्फ नमक डाल के मैंने गूथा है जैसे रोटी का बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल घर पे ऐसे ही कचौरियाँ बनती हैं तो हम इसी तरीके से आज बना रहे हैं। तो देखिए हाथ से चक्की लेकर ऐसे बीच में गोला गोला करके इसके अंदर मसाला फिलिंग करना यानी भरना है। और वो मेरा डिलीट हो गया इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रही। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने डाला तेल और शुद्ध राई का तेल है। आप जानते हो मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ तो सारा मेरा देसी ही चीज़ होता है, तो मेरा कोई ऐसे देखावटी नहीं है, जो हम खाते हैं वही आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग भी मेरे YouTube फैमिली हो, कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसे मतलब कोई ताम झाम ना हो। ज़रूरी नहीं है जो भी हाई फाई है वही देख रहे हैं वीडियो, बहुत नॉर्मल लोग भी देखते हैं। और एक हाउस वाइफ ही बता सकती है कि उनके घर में किस तरीके से एडजस्टमेंट करके इतनी महंगाई में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये है सस्ती वाली कचौरी जो कि बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। खस्ता कचौरी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने खस्ता ऐसा कुछ नहीं डाला है। अगर आप गेहूँ के आटे में थोड़ा सा 4-5 चम्मच मोयम यानी तेल और नमक, जीरा और अजवाइन करके खूब अच्छे से मीस देंगे तो वो थोड़ी खस्ती हो जाएगी, तो कुरकुरी खस्ती कचौरी रेडी हो जाएगी। अगर आपको पसंद है तो इस तरीके से करिए। यहाँ पे देखिए कोई कड़ाहट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कचौड़ी है मेरा। तो यहाँ पे देखिए अब इसके ऊपर ही थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं जैसे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी, तो बहुत टेस्टी होता है ऐसे। मैंने यहाँ डाला थोड़ी सी नमकीन, फिर टमाटर, फिर प्याज, थोड़ी थोड़ी सब। यहाँ पापड़ी मैंने तोड़ के डाला है, आप मतलब जो आपको पसंद हो, आप अनार के दाने, जो भी आपके फ्रूट्स पसंद है इस पे डाल सकते हो। मैंने मिर्चे डाले हैं, फिर यहाँ पे दही डाली है और दही आप फेट कर ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बेस्ट होता है। मैंने तो नहीं फेटा तो आप लेकिन डालिएगा उसको थोड़ी सी अच्छे से फेट कर। यहाँ पे खट्टी चटनी और मेरी कचौरी रेडी होगा, क्योंकि खुद ही खाना है ना, किसी को पर्सनल नहीं है इसीलिए मैंने नहीं फेटा, तो कोई बात नहीं। आप काला नमक और जीरा का ऊपर प्रयोग कर लेना, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरीके से बनाइए आलू और दाल की कचौड़ी और बताइएगा कमेंट। तो दोस्तों कमेंट बताइएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना जरूर ही। तो चलिए मेरी YouTube फैमिली जल्दी जल्दी बन जाइए और नॉर्मल कचौड़ी यानी सीधी सादी कचौड़ी के साथ, बेचारी के साथ ना इंसाफी बिल्कुल नहीं, तो लाइक तो बनता है। थैंक यू।